उसके बाद यीशु यरूशलेम में ईद के वास्ते गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। बीमार लोगों की एक बड़ी भीड़ इन बरामदों में पड़ी थी। उनमें अंधे, लंगड़े और मफलूज भी थे। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तिला था। उसको यीशु ने पड़े देखा और जान लिया कि वो बड़ी मुद्दत से बीमार है। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है। उठ जा और अपनी चटाई उठाकर चल। फिर शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। जोरदार तालियां बजाइए। और अपनी चटाई उठाकर